Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. After a lot of days I'm uploading a video, which is a very important video. In this video we are gonna discuss about the new rule which has been inserted by the new notification number 49/2019 dated 9th of October 2019. Ek naya ITC related new rule insert kiya gaya tha, jiska section tha section 36, rule mein insert kiya gaya tha, जो 36 सब रूल 4, रूल 36 सब रूल 4 में एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था जिसमें बोला गया था कि आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया था 20% तक. ब्लॉक इन द सेंस कि आपका आपके सप्लायर जितनी इनवॉइसेस टाइमली, मतलब कि जीएसटीआर 1 के डेट तक जितनी इनवॉइसेस अपलोड करेंगे उतने उस एलिजिब उसमें भी एलिजिबल क्रेडिट का 20% एक्स्ट्रा ही आप अवेल कर सकते हो. अगर आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको अवेल, आप उस ITC को अवेल नहीं कर सकते हो. तो ये रूल जब आया था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे कि क्या ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होगा या फिर किसको कैलकुलेट करना होगा, क्या पोर्टल पर अवेलेबल होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे. अब क्योंकि अक्टूबर से ये एप्लीकेबल था, 9th अक्टूबर को ये आया था, तो अक्टूबर के 3B के रिटर्न पे ये एप्लीकेबल है. तो अब उससे, क्योंकि 3B के रिटर्न 20th नवंबर है, उससे पहले ही एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने निकाली है जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर रिजोल्व किए गए हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. पूरा अपडेशंस लेने के लिए, जो भी रेगुलर डेली बेसिस पे अपडेशंस होते हैं, मैं अपने वीडियो छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू अपडेट करती हूँ. सेकेंड थिंग इज़ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इन डेप्थ में डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए. सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं. सर्कुलर नंबर 123/42/2019 निकाला है. इस सर्कुलर में सब कुछ उन्होंने इन डिटेल डिस्कस किया है. तो सब्जेक्ट, सर्कुलर का सब्जेक्ट ही है रिस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो जो मैंने अभी बताया था कि एक नया रूल आया था, रूल 36 सब रूल 4 में रिस्ट्रिक्शन बताई गई थी फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ये फर्स्ट जो पैरा आपको दिख रहा है, फर्स्ट पैरा में तो इन्होंने रेफरेंस दिया है सिर्फ कि ये मैंने बताया, जैसे मैंने बताया नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 के थ्रू ये रूल आया था. तो ये फर्स्ट पैरा में उन्होंने सिर्फ रेफरेंस दिया है. सेकेंड पैरा में उन्होंने बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोविजंस लॉ अक्रॉस द फाइल्स द बोर्ड इन एक्सरसाइज इट्स पावर कन्फ्रेंस अंडर सेक्शन 168 ऑफ द CGST, मतलब कि 168 सबसेक्शन 1 की पावर को यूज़ करते हुए डिपार्टमेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है इस सर्कुलर के थ्रू, बाकी ऊपर वाला जो हमारा रूल है उसको क्लैरिफाई कर रहा है. मेन पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी फॉर द ITC दैट मे बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल कंटिन्यू to be governed as per the provision of. अभी तक जितने भी ITC के जो हम provisions फॉलो करते थे वो चैप्टर 5 वाले provisions को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया ITC के लिए आज अभी भी वही provisions हमारे एप्लीकेबल होंगे, उन्हीं provisions को, चैप्टर 5 के provisions को ही हमें जो है वही govern करेंगे ITC के लिए वही. और उसके साथ में जो रूल बने हैं, और रूल में नया सब रूल हमने ऐड करा तो उस सब रूल को भी हमें कंसिडर करना है. जो मेन लाइन है वो ये है, दिस बीइंग अ न्यू प्रोविजन द रिस्ट्रिक्शन इज नॉट इम्पोज्ड थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर दैट क्रेडिट इज अवेल्ड इन टर्म्स ऑफ द सेड रूल एंड देयरफॉर द अवेलमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ सब रूल 4 ऑफ रूल 36 ऑफ CGST रूल्स शैल बी डन ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस ऑन द टैक्स पेयर्स. सो जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी टैक्स पेयर्स की कि क्या पोर्टल खुद से इस चीज़ को कैलकुलेट करेगा कि कितना ITC हमें अवेलेबल होगा या फिर हमें खुद से करना पड़ेगा, वो इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि पोर्टल पे ऐसा कोई कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा. ये सप्लाई टैक्स पेयर्स को खुद ही जो नए प्रोविजंस हैं, नए रूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए सेल्फ असेसमेंट करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ मुझे सिर्फ इतना ITC अवेलेबल होना है. सो आप कब ये चीज़ खुद ठीक से कैलकुलेट कर सकते हो, कब ये प्रोविजंस ठीक से अप्लाई कर सकते हो, जब आपको प्रोविजन की पूरी नॉलेज हो. तो पूरी नॉलेज के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ITC को, कितना ITC आपके लिए अवेलेबल है, और जो ITC आपको अब नहीं मिल पाया क्या वो फ्यूचर में मिल पाएगा, और फ्यूचर में भी मिलेगा तो किस प्रोपोर्शन में आपको फ्यूचर में मिलेगा, उस सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगी. एक छोटी वीडियो अलग से मैं बनाऊँगी, इसमें भी थोड़ा मैं इसमें छोटा छोटा पार्ट डिस्कस करूँगी, जो सेपरेट वीडियोज़ में बनाऊँगी उनमें पूरा डिस्कस करूँगी. तो
पूरा नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें पांच इश्यूज़ को उन्होंने रिजॉल्व किया है। जल्दी जल्दी हम पहले इश्यूज़ को उठाते हैं, फिर उनके बारे में उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ इन डिटेल। कैलकुलेशन वाइज मैं दूसरी वीडियोस, जो छोटी वीडियोस बनाऊंगी एक एक, उनमें मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछा गया था, कौन सी इनवॉइसेज हैं और डेबिट नोट्स हैं ऑन विच द रिस्ट्रिक्शन अंडर रूल 36 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST रूल्स शैल अप्लाई। तो 36 सब रूल 4 क्या इन रिस्ट्रिक्शन लगाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो 20% वाली। तो इसमें पूछा गया कि किन इनवॉइसेस और डेबिट नोट पे वो रिस्ट्रिक्शन लगेगी। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि रिस्ट्रिक्शन जो होगी availment of ITC is imposed only in the respect of those invoices and debit notes, detail of which are required to be uploaded by the supplier। मतलब कि सिर्फ उन्हीं invoices और debit notes पे लगेगी जो supplier के through upload करने mandatory हैं या फिर ज़रूरी हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब हम import करते हैं, जो exporter होता है वो out of India का होता है, तो उस पर GST applicable नहीं होता है। तो वो सप्लायर को इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा, जब वो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा तो हमारे टूए में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो उन्होंने बोला है कि ये जो 36 सब रूल 4 है वो इस केस में नहीं लगेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला, देयरफॉर टैक्सपेयर्स में अवेल फुल ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द IGST पेड ऑन द इम्पोर्ट। मतलब कि आपने जो इम्पोर्ट करा था उसके रिस्पेक्ट में जो IGST है आप उसको फुल क्लेम कर सकते हो, भले ही आपके वो टूए में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 20% की रिस्ट्रिक्शन इस वाले ITC के लिए नहीं लगेगी। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स इशूड अंडर RCM। अब आपने जिस सप्लायर से परचेज करा था वो रिवर्स चार्ज में कवर हो गया, तो सप्लायर को तो पे नहीं करना था, आपको पे करना था। तो सप्लायर ने जब GST पे ही नहीं करा होगा तो वो इनवॉइस अपनी चढ़ाएगा, क्योंकि जब GST लगा ही नहीं था उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि उस RCM में अगर कोई केस कवर हो रहा है परचेज का, आपने कुछ परचेज करा उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, तो आपके टूए में रिफ्लेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो आपको उसको 100% क्रेडिट मिल जाएगा। और क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई आउट जो आपको सप्लाई देता है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो उसने जो पीछे सप्लाई ली होती है वो मे बी वो टैक्सेबल होती है। तो उस टैक्सेबल का सप्लाई का सिर्फ आपको क्रेडिट वो ट्रांसफर करता है। तो उस केस में उसने कोई इनवॉइस रेज नहीं करा होता है उस रिस्पेक्ट में ISD ने, वो सिर्फ आपको क्रेडिट ट्रांसफर करता है। तो उस क्रेडिट का आप बेनिफिट 100% ले सकते हो, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई इनवॉइस अपलोड नहीं कर रहा है, कोई इनवॉइस नहीं रेज कर रहा है, ना ही वो इनवॉइस को अपलोड करेगा, ना ही तो वो आपके टूए में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो पाएगी। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों केसेस में आप 100% अपना ITC अवेल कर सकते हो। रिमेनिंग के जो हैं उनमें ये रूल 36 सब रूल 4 वाला कंडीशन अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमारा ये आता है, फिर मेन जो बात इन्होंने लिखी है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 36 रूल 36 सब रूल 4 विल बी एप्लीकेबल ऑन द इनवॉइसेस डेबिट नोट्स ऑन विच क्रेडिट इज अवेल्ड आफ्टर 9th of October 2019। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस करा था कि ये जो प्रोविज़न आया था वो आया ही 9th October 2019 को था, 49/2019 वाले नोटिफिकेशन में। तो ये जो रूल है वो एप्लीकेबल भी उसी डेट से होगा, मतलब कि 9/10/2019 के बाद जो आपने परचेजेस करी हैं और जिनका क्रेडिट अवेल करा है 9th October 2019 के बाद के जो परचेजेस का ITC आपने अवेल करा है, सिर्फ उन्हीं पर आपका 20% वाला जो ITC का ब्लॉकेज है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उससे पहले 1st अक्टूबर से लेके 8th अक्टूबर तक की इनवॉइसेस का आप 100% क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था, तो गवर्नमेंट ने इसका क्लैरिफिकेशन भी अच्छे से दिया है। होप सो आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड पूछा उन्होंने, वेदर द सेट रिस्ट्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड सप्लायर वाइज और द कंसोलिडेटेड बेसिस। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई सप्लायर वाइज नहीं होगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपका कंसिडर किया जाएगा। तो ये मैंने हाईलाइटेड पार्ट भी, मतलब जो मेन पार्ट है वो हाईलाइट किया हुआ, क्रेडिट अवेलेबल अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 36 इज लिंक्ड टू द टोटल एलिजिबल क्रेडिट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एलिजिबल क्रेडिट बोला है। अब देखो कुछ क्रेडिट ऐसे होते हैं जो इनएलिजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, 17 सबसेक्शन 5 के अंडर में कुछ ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल की बात की जाती है, कि मतलब कि
ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट, सॉरी ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट की बात करी जाती है, तो वो इन एलिजिबल क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो सब रूल 4 ऑफ रूल 36 लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल क्रेडिट वाले पे, एलिजिबल क्रेडिट की जो एलिजिबल क्रेडिट जो है उस पर लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है एलिजिबल और इनएलिजिबल का भी ध्यान रखना है। इनएलिजिबल को हटाने के बाद जो एलिजिबल बचा है उस पे आपको 20% एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिल सकता है। ये नहीं कि आपकी 40 लाख रुपए की का क्रेडिट बन रहा था उसमें से 15 लाख एलिजिबल था, तो आप रिमेनिंग जो 25% का एलिजिबल क्रेडिट आपके टूए में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 20% उसका मतलब कि वो 25 लाख तो आप ले सकते हो, इन एडिशन 20% आप सिर्फ 25 लाख का ले सकते हो। कभी कुछ लोग होशियारी करें कि 40 लाख पूरा लेके 40 लाख का 120% मतलब 20% कर दें, तो ऐसे नहीं होगा। जो आपका सिर्फ एलिजिबल क्रेडिट आपके टूए में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका ही 20% एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। अकॉर्डिंगली दोज इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल। तो यहाँ पे यही बात भी इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया जो मैंने अभी आपको बताई थी। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड चीज़ जो उन्होंने समझाई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उन्होंने पूछा क्या है, फॉर्म जी एस टी आर 2A बीइंग अ डायनामिक डॉक्यूमेंट व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज एडमिसिबल टू द टैक्स पेयर फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट हुज डिटेल्स हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म जी एस टी आर 2A आप जैसे सभी को पता है कि वो चेंजेबल होता है, जैसे जैसे इनवॉइस अपलोड होती रहती है वैसे वैसे वो उसमें इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होती रहती हैं और वो चेंज होता रहता है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्म जी एस टी आर 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है तो कौन सी अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट की कौन सी अमाउंट एडमिसेबल होगी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए टैक्स पेयर्स को, जिसके रिस्पेक्ट में डेबिट जिन इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में और डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में जो डिटेल्स सप्लाई ने अपलोड नहीं करी है। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि जी एस टी आर 2A जब हम क्या करते हैं कि जी एस टी आर 2A में रिफ्लैक्ट होगा, ये बात बोली गई थी कि जी एस टी आर 2A में आपका जितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा उसका एक्स्ट्रा 20% आप ले सकते हो, एलिजिबल क्रेडिट्स का 20% और ले सकते हो। तो इन्होंने पूछा कि 2A तो चेंज होते रहते हैं तो उस केस में हमें कौन से अमाउंट को लेना है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है। इन्होंने बोला है कि अमाउंट ऑफ एक तो इन्होंने यही बात बोली है कि आपके 2A में जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उससे एक्सेस सिर्फ आप 20% ले सकते हो। दूसरा उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि 2A का कौन सा 2A को कौन से दिन देखना है, तो उन्होंने बोला है कि 2A को GSTR 1 की जो ड्यू डेट है अगर मैं बात करूँ अक्टूबर की, तो अक्टूबर की रिटर्न GSTR 1 की ड्यू डेट है वो 11th of November है, तो 11th of November 2019 कि एंड के डे पे हम बात करें क्योंकि ज़्यादातर रिटर्न्स डे में फाइल होती हैं, तो 11th November 2019 तक आपके 2A में जितनी रिफ्लेक्ट हो जितनी जितना क्लेम रिफ्लेक्ट हो रहा है जितना एलिजिबल क्लेम आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 11th of November, तो उसको आपको कंसिडर करना है और उसका ही एक्स्ट्रा 20% आप ले सकते हो। तो उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट भी करा है उन्होंने, एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 1 ऑफ द सप्लायर फॉर द टैक्स फॉर द सेड टैक्स पीरियड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये रूल निकालने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ टैक्स इवेजन को बचाना ही नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्पस ये भी है कि वो टाइमली सप्लायर्स टाइमली अपना क्या बोलते हैं GSTR 1 फाइल करें। क्या होता है GSTR 1 पे कोई लेट फीस नहीं लगती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि GSTR 1 को एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है लेट फीस तो कुछ है ही नहीं तो क्या ज़रूरत है बताने की, टाइम जब मन करेगा तब बता देंगे। तो इससे यहाँ पे क्या होगा, अब अगर GSTR 1 वो फाइल नहीं करेंगे टाइम पर फाइल नहीं करेंगे तो उनको 20% एक्स्ट्रा का बेनिफिट भी नहीं मिल सकता। दूसरा GSTR 1 में जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो जो परचेजर होगा उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये टाइमली फाइल करें सप्लायर्स उसके लिए भी ये रूल बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि किस टाइम पे हमें देखना है GSTR 2M का एलिजिबल क्रेडिट किस टाइम का देखना है, तो GSTR 1 की जो ड्यू डेट है उस दिन का हमें देखना है। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ मच ITC अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन अवेल इन फॉर्म GSTR 3B इन अ मंथ इन केस डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द इनवॉइसेस हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन। ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया गया है कि अगर GSTR 3B में हमें कितना अवेल करना है, तो वहीं पे उन्होंने दोबारा से वो एक्सप्लेन करा है कि 20% वाला 20% से ज़्यादा हम नहीं ले सकते अपने एलिजिबल क्रेडिट से। यहाँ पे इन्होंने कुछ इलस्ट्रेशन से समझाया है जिसमें मैं पहले इलस्ट्रेशन की बात, इसमें इलस्ट्रेशन उन्होंने बोला है कि एक आर है जिसने 100 इनवॉइसेस मतलब कि जो परचेज करता है उसकी अगेंस्ट में 100 इनवॉइसेस थी जिसका
इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा था 10 लाख रुपए। तो और अब 3B की बात आती है, तो 3B के टाइम पे उन्होंने बोला है 20 नवंबर उसका जो ड्यू डेट है 3B की, उसमें उन्होंने बोला है कि केस वन हम बताते हैं कि सप्लायर ने आर था उसके पास 100 इनवॉइसेस थे, उसको 100 इनवॉइसेस का 10 लाख का क्रेडिट लेना था, लेकिन आर के जो सप्लायर्स हैं उन्होंने सिर्फ 80 इनवॉइसेस अपने GST-1 में फाइल करी, जिनका क्रेडिट बनता था जिनका ITC जो बन रहा है वो 6 लाख रुपये था, बेसिकली 10 लाख होना चाहिए था लेकिन 6 लाख बन रहा है। तो आर कितना अवेल कर, कितना 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट का 20% कर सकता है, तो एलिजिबल क्रेडिट कितना है उसका 6 लाख, तो 6 लाख का 20% वो कर सकता है, दैट मीन्स 1,20,000 और एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता है। तो एलिजिबल ITC टू बी टेकन इन GST-3B 20 नवंबर को वो कितना लेगा अपनी 3B में, दैट विल बी 7,20,000, 6 लाख तो 100% वाला और 20% एक्स्ट्रा वाला। सेकेंड केस में उन्होंने बोला है सप्लायर ने 80 इनवॉइसेस दिए हैं जिसका ITC जो बन रहा था 7 लाख रुपये था ड्यू डेट के दिन, और देखना ये 7 लाख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ₹7 लाख एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि ड्यू डेट पर, मतलब कि 11 नवंबर को उसका 7 लाख शो हो रहा था, तो 7 लाख का 20% एक्स्ट्रा वो कंसिडर कर सकता है, तो 1,40,000 टोटल बन के आ गया 8,40,000। फिर थर्ड केस में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड केस को एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। सप्लायर ने सिर्फ 75 इनवॉइसेस को अपलोड करा है, जिसका क्रेडिट जो बन रहा है वो बन रहा है 8.5 लाख, तो अब कितना वो अवेल कर सकता है, आर कितना अवेल कर सकता है, जो अगर हम 8.5 लाख का 20% देखें दैट विल बी टोटल, दैट विल बी 1,70,000, वो 1,70,000 बैठ रहा है, लेकिन अगर हम 8.5 लाख और 1,70,000 को प्लस करें दैट विल बी 10,20,000। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा 20% से जो 20% करने पर अगर हमारा जो एलिजिबल जो क्रेडिट हम ले सकते हैं उससे एक्सेस जा रहा है, तो उस एक्सेस अमाउंट को छोड़ देना है, सिर्फ हमें कितना कंसिडर करना है 10 लाख, क्योंकि हमारा जो एलिजिबल क्रेडिट है वो 10 लाख, एलिजिबल मतलब कि जितना हम ले सकते हैं हमारे अगेंस्ट, जितना हमें जितना हमने अवेल करा था 10 लाख हमने अवेल करा था, तो उसके क्रेडिट में हम उसके रिस्पेक्ट में हम क्लेम भी सिर्फ 10 लाख ही कर सकते हैं, क्लेम करा था हमने 10 लाख, सॉरी अवेल भी हम 10 लाख ही कर सकते हैं। तो जो एक्सेस वाला था इसको टोटल करने पे 10,20,000 आ रहा था, तो 20 लाख हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमें 10 लाख तक ही अवेल करना है, तो मतलब कि 1,50,000 हमें 1,70,000 की जगह 1,50,000 हम एक्स्ट्रा 20 क्लेम करेंगे, जो हम 20% के रूल के अकॉर्डिंग क्लेम करेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन कैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन कैन बैलेंस ITC कैन बी क्लेम्ड इन केस अवेलमेंट ऑफ ITC इज रिस्ट्रिक्टेड एज पर द प्रोविजन। तो क्या था, अभी जैसे बोला गया है कि 20% आप ले सकते हो सिर्फ, तो मतलब कि रिमेनिंग का जो ITC है वो हमारा ब्लॉक हो गया एक टाइप से, हमें नहीं मिला है, तो उस ITC को हम कब अवेल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी गवर्नमेंट ने दिया है। उन्होंने बोला है द बैलेंस ITC में बी क्लेम्ड बाय द टैक्स पेयर इन एनी ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि आपका जो ITC आपको पीछे नहीं मिला था वो आपको सक्सीडिंग मंथ्स में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ रिक्विजिट इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर, बशर्ते की शर्त ये रहेगी कि सप्लायर ने वो इनवॉइस अपलोड कर दी हो। क्या होगा कि जैसे GST-1 की डेट तक सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं करी तो आपको बेनिफिट नहीं मिला था, जितनी अपलोड कर दी थी उनका आपको 100% मिल गया था, जो नहीं और उसके अलावा जो जितनी अपलोड हो गई थी उनका 100% मिल गया, फिर उसका एडिशनल 20% और दे दिया था, तो जो GST-1 तक की ड्यू डेट तक मतलब कि 11th of November तक जो अपलोड नहीं हुई थी उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिला। तो उसके बाद में जो सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड करी उनका आपको ITC सक्सीडिंग मंथ्स में मिल जाएगा, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ही कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट ITC एज एंड व्हेन डिटेल्स ऑफ सम इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर। यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लियर कर दूँ, जैसे आपका 10 लाख का क्रेडिट था उसमें से 6 लाख का आपकी GST-2A में रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिमेनिंग का 4 लाख नहीं हो रहा था, तो आपने क्या करा था 6 लाख का 120% कर दिया था, मतलब कि आपको 7,20,000 रुपये का क्रेडिट मिल गया था। अब उसमें से 4 लाख में से नेक्स्ट मंथ में उसने 2 लाख की इनवॉइसेस और अपलोड कर दी,
तो अब उन 2 लाख का, ये नहीं कि जब 4 लाख पूरे हो जाएंगे तब आप ITC अवेल कर सकते हो। अगर आपका 2 लाख अपलोड हो गई है, 2 लाख इनवॉइसेस और अपलोड हो गई हैं, तो आप उस 2 लाख को प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे ले सकते हो, उसका ITC भी क्लेम कैसे कर क्लेम कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार हम ऑलरेडी 120% ले चुके हैं, और अगर हम दोबारा से अब 2 लाख ले लेंगे तो ये तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्होंने इसके लिए भी रूल बनाया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कितना क्लेम कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, व्हेन द इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट एलिजिबल ITC डिवाइडेड बाय 1.2 द सेम इज, इतना हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आपका 2 लाख की इनवॉइसेस अपलोड हो गई हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 वट एवर विल बी द अमाउंट, आप सिर्फ उतना क्लेम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे आपका, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें 10 लाख में से 6 लाख आपका ऑलरेडी अपलोडेड था, सॉरी 6 लाख में से 2 लाख आपका, 10 लाख में से 6 लाख आपको ऑलरेडी था, उसमें से आप 6 लाख की जगह 1,720,000 ले चुके थे, क्योंकि 20% एडिशनल का आपने बेनिफिट ले लिया था। अब यहाँ पे 2 लाख की इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं, तो आप पूरा 2 लाख नहीं कंसिडर करोगे, आप सिर्फ 1,66,666 रुपये यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला लगाया कि फर्दर मंथ्स में जो इनवॉइसेस अपलोड होंगी उसमें आप ITC सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल ITC जो आपका है डिवाइडेड बाय 1.2 करोगे, जो अमाउंट आएगा वो आप क्लेम कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 1,20,000 एक्सेस में ले चुके हो, तो वो उससे एडजस्टमेंट कराने के लिए। फिर ये उन्होंने 2 केसेस यहाँ पे बताए हैं, वही जो मैंने आपको कैलकुलेशन अभी समझाई है उसी कैलकुलेशन को यहाँ पे समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो यू विल यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, और ऐसी अपडेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।